Let's move on to round number three. Round number three का top prize है 1,25,000 रुपए, यानी अमाउंट बढ़ गया। जहां अमाउंट बढ़ा वहां वक्त कम, यानी 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त। वक्त क्रिटिकल है, बहुत सारे लोग अब वक्त की वजह से भी निकलते जाते हैं कि आपने वक्त जाया लिया। अच्छा चले, मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवा 1,00,000, आठवा 1,25,000 रुपये। और ये जो चेन है ना, अगर नहीं टूटी तो इसी तरह अमाउंट बढ़ता रहेगा। अगर उजैर या नेहा ने चेन तोड़ दी तो शुहेब से फिर से पहले सवाल, यानी 2,500 के नाम से शुरू होगा। तो कोशिश करें चेन ना तोड़े, और आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर हर एक कंटेस्टेंट ये अपने ऊपर ले लेता है कि वो हर सवाल का एक सवाल का जवाब सही दे बगैर चेन तोड़े, तो 1,25,000 और आपका बैंक दूर नहीं है, उसके बीच में बिल्कुल भी फासला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं राउंड। मुदस्सर आपसे शुरू करेंगे। 1,25,000 का टॉप प्राइज, 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। कराची टू क्वेटा नेशनल हाइवे को क्या नाम दिया गया? N25। करेक्ट। उजैर, कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से हम कौन सी निगाह बेहतर कर सकते हैं, दूर की या नजदीक की? दूर की। करेक्ट। नेहा, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? लेजर की। करेक्ट। शोएब, नेपोलियन फ्रांस से कौन से आयलैंड में पैदा हुआ था? कोर्सिया। करेक्ट। इफ्तिकार, बैंक कौन से साल में सिकंदर आजम मैसेडोनिया के बादशाह बने? पास। 336 BC। शावेस, इंटरनेशनल मंकी डे कब मनाया जाता है? पास। 14th December. SN 17 Asian Games का इनकार कब हुआ था? 2014. Correct. गजल, बैंग कौन सा हिस्सा किसी भी कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? पास। CPU. मुदस्सर, रोम में यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी का हेडक्वार्टर वाके है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स आर्मी रेजिमेंट का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? यूके से। करेक्ट। नेहा, किताब डॉक्टर जिवागो के मुसन्निफ का नाम बताएं? बोरिस पास्टरनेक। करेक्ट। शोएब, बैंक हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? पास। 6 अगस्त। इफ्तिकार, उर्दू में जूतियां चटखाना एक मुहावरा है, उसके माने क्या हैं? मारे मारे फिरना। करेक्ट। शावेस, बैंक 16 सितंबर 2019 को डबलिन में नेदरलैंड्स के खिलाफ 41 बॉल्स पे 100 करने वाले जॉर्ज मनसे का ताल्लुक कौन से मुल्क या टीम से है? पास। स्कॉटलैंड। एसन, सैटर्न के सबसे बड़े चांद का नाम बताएं? टाइटन। करेक्ट। गजल, कौन सा लॉ ऑफ मोशन फोर्स की सही तारीफ पेश करता है? यहाँ आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और आपका वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप मुझे एक नाम भेजें जो आगे राउंड में नहीं जाएंगे। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, नाम टाइप करें वक्त ज़ाया किए बगैर, और मुझ तक वो एक नाम पहुंचाएं जो अच्छा नहीं खेल रहा, जो वक्त ज़ाया कर रहा है, जो सही जवाब नहीं दे रहा, जो पास कर रहा है, जो वीक कंटेस्टेंट है, जिसकी वजह से आप बैंक में ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। गजल, एहसन, शुएब और शावेज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। गजल, शावेज ने आसान आसान सवालों के दिए गलत जवाब। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। आई स्टार्ट विथ यू शावेज, आपकी नजर में सबसे वीक कौन? गजल। क्यों? बहुत स्लो खेल रही हैं। गजल, आप स्लो खेल रही हैं, आपको लगता है? मैम, इनको लगता है। और आपको क्या लगता है? कि मैं बिल्कुल सही खेल रही हूँ। दो दफा पास किया आपने, सही है, ये अच्छा खेल रही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। और आपको क्या लग रहा है? शुएब। रीजन? वो थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। शोएब से बात करते हैं। शोएब, आपका वोट किसके खिलाफ है? शावेज। रीजन क्या है? मैम, दो सवाल पूछे हैं, एक का भी सही जवाब नहीं दिया, और सोच सोच के जवाब दे रहे हैं ना, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सारी गेम है टाइम पे। इफ्तिखार, मुदस्सिर क्यों कंफ्यूज लग रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों, शायद वो जब राउंड सर्कल घूम रहा है तो लग रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं क्या सवाल होने वाला है मुझसे, और वो थोड़ा सा मुझे लग रहे हैं कि मैं कंफ्यूज लग रहा हूं तुम्हें, मुझे ऐसा कहां से कंफ्यूज लग रहा हूं, मुझे ऐसा मुझे तो तुम कंफ्यूज लग रहे हो। श्योर, आप कह सकते हैं? हाँ, मैं कह सकता हूं। आप भी ऐसे तुम कह रहे हो वैसे मैं कह सकता हूं। आप भी ऐसे कंटेस्टेंट खड़े हो, मैं भी ऐसे कंटेस्टेंट खड़ा हूं, आप मेरा नाम ले दीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। बिल्कुल खड़े हो आप, मैम ने मुझसे पैसे दिए तो आप मुझसे अभी बहस ना करें, अभी मैम के आंसर का जवाब दें। बहस क्यों ना करूं? आपने मुझे एलिमिनेट क्यों किया? वोट आउट है। आपने मुझे एलिमिनेट क्यों किया? ओके, इनके कहने से आप एलिमिनेट नहीं होते, मगर इनके पास हक है कि किसी एक कंटेस्टेंट को वोट करें। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है मैम, गेम का फॉर्मेट है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और आपको वोट किया है। मुदस्सिर के बारे में बताते चलो, दोनों सवालों के जवाब ठीक और वक्त जाया नहीं हुआ। अब मुदस्सिर पे आते हैं। मुदस्सिर, आपका वोट किसके खिलाफ? शावेज। क्यों? क्योंकि वक्त जाया किया है। वक्त जाया किया। उजैर, बिल्कुल शावेज।
नेहा मैम, शावेज ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, तो आपका वोट शावेज के खिलाफ है? शावेज के खिलाफ है, जिसका मतलब ये है शावेज मेजोरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। तमाम कंटेस्टेंट्स की नजरें आपके ऊपर जमी हुई हैं और वो नहीं चाहते कि आप मजीद इस राउंड के बाद आगे बढ़ें, तो आप यहां से फॉर श्योर हैदराबाद वापस जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन? मैं चाहता तो और भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। और भी लोग गलत जवाब दे रहे थे, लेकिन सब ने मिलकर मेरा नाम लिया। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा। आखिरी खिलाड़ी कौन? दैट्स द कैच। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।